आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यह क्वेश्चन क्या पूछा है? असर्शन H2O इज ए लिक्विड एंड H2S इज ए गैस। रीजन क्या दिया गया है? वाटर मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल H2S मॉलिक्यूल नो सच इंटरेक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अभी देखते हैं, मेरा ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले देखते हैं मेरा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि मेरा क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये मेरा ओनली तीन एटम ही शो करते हैं, जो कि होता है मेरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यही तीन एटम ही मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, क्योंकि इनका जो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो मेरा हाई होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। फ्लोरीन का कितना होता है मेरा 4.0। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जिसका होता है 3.5, और मेरा नाइट्रोजन का होता है 3.0। इसलिए ये तीनों एटम और एलिमेंट ही मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी देखते हैं मेरा जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेंट होता है, ये ऐसे रहेगा, और अगर इसके पास मैं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रख दूं तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा ऑक्सीजन है ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये मेरा जो हाइड्रोजन है ये और एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ऐसे करके मेरा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मेरा जो वाटर होता है ये मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन मेरा जो H2S है, H2S का स्ट्रक्चर भी मेरा बेंट होता है, लेकिन ये मेरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सल्फर का लेस होता है, इसलिए ये मेरा हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मेरा एक वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा, जिसे हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा क्या है, वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस, वाल्स फोर्सेस। तो यहां पर मेरा H2S में क्या है, H2S में वैन डेर वाल्स फोर्सेस है, और मेरा वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरा जो असर्शन है ये मेरा करेक्ट है, लेकिन मेरा जो रीजन है ये मेरा गलत हो गया। अभी देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये मेरा रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी मेरा गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये मेरा सही है, क्योंकि मेरा यहाँ पर दिया गया है H2S में नो सच इंटरेक्शन, लेकिन मेरा H2S में वैन डेर वाल्स फोर्सेस और वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इसलिए मेरा आर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो मेरा ए ट्रू हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।